मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन की सक्सेस के बाद बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चल रही है और बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन चल रही है, जिसका असर यूं लगता है कि इंडिया में महसूस किया जा रहा है। वो कहते ना, दर्द ज़रूर हो रहा है, कहीं ना कहीं पे कोई कांटा ज़रूर लग रहा है, जिसकी चीखें हमें यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। इंडिया की जो मीडिया है उसने आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान रिपोर्ट किया है जयशंकर के हवाले से। जयशंकर से पूछा गया एक जगह पे कि सरकार, ये जो हमारे खिलाफ मालदीव के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चल रही है, वहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है, बांग्लादेश के अंदर भी स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप कोई काम कर भी रहे हैं या नहीं? हमारा तो इन्फ्लुएंस डाउन हो रहा है। तो हैरानकुन तौर पर जयशंकर साहब ने इंडिया आउट कैंपेन जो बांग्लादेश की है और बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन जो बांग्लादेश की है, इसको घुमा दिया उन्होंने चाइना की तरफ। मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के। हालांकि इन दोनों कैंपेन्स का चाइना से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। खास तौर पर बांग्लादेश की जो कैंपेन्स चल रही हैं इंडिजीनियस है, टोटली अंदर जो इनके लोग हैं उन्होंने स्टार्ट कर रखी है, चाइना की तरफ से यहाँ पे किसी किस्म की कोई समर्थन नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों उन्होंने चाइना के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की है। और इस सवाल के जवाब में कि आप क्या कर रहे हैं इंडिया आउट कैंपेन को काउंटर करने के लिए, जयशंकर ने जवाब दिया कि हमें चाइना से घबराना नहीं चाहिए, हमें उनसे मुकाबला करना चाहिए। यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं पे यहां पे है, विच इज मिसलीडिंग आई बिलीव। बिजनेस टुडे एक बड़ा न्यूज आउटलेट है इंडिया का, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ चाइना, जयशंकर रिएक्ट्स टू इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स बांग्लादेश। जयशंकर रिजेक्टेड द सजेशन दैट न्यू दिल्ली फॉरेन पॉलिसीज वर फेलिंग बट सेड देयर वाज कंपटीशन। कुछ रोज पहले ब्रॉडर व्यू में बात करते हुए मैंने कहा था पहला स्टेज यही आएगा, स्टेट ऑफ डिनायल। इंडिया इसको जो काउंटर करने की कोशिश करेगा ना, तो उनकी आप स्ट्रेटजी जरा मालदीव में उन्होंने क्या किया उसको स्टडी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश के अंदर क्या होने वाला है। क्योंकि एक जैसी कैंपेन्स है ना, थोड़ी सी सिमिलर है, बल्कि बांग्लादेश वाली ज्यादा सीवियर किस्म की है। इसकी वजह यह है कि मालदीव में इकोनॉमिक बायकॉट नहीं था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंडिया के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें या इंडिया के कस्टमर्स का, टूरिस्टों का बायकॉट करें, ऐसा नहीं कहा था। यहाँ पे सीवियर किस्म की है, यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन तो चल ही रही है लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक बैकआउट की मुहिम भी चल रही है कि आप इंडिया की प्रोडक्ट्स लेना छोड़ दें, तो ये ज्यादा सीवियर किस्म की, सख्त किस्म की है। आगे जरा देखिए जयशंकर के अल्फाज देखिए कि वो खुद को किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है और कैसे इससे मुहिम को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स अगर किसी मुहिम के बारे में लिखना शुरू कर देना तो समझ जाइए कि वो सक्सेसफुल कैंपेन है, वरना आलमी जो मीडिया होता है वो छोटी मोटी बातों को लिफ्ट नहीं कराता। अगर इंटरनेशनल मीडिया में कोई चीज रिपोर्ट हो रही हो ना, लोकल इशू कोई इंटरनेशनल मीडिया में आ जाए ना, समझ जाए कि बड़े पैमाने पे हो रहा है। आगे वो कहते हैं जयशंकर को कोट करते हुए, ये उनके अल्फाज हैं जयशंकर के, कि आई डोंट थिंक वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ चाइना, आई थिंक वी शुड से ओके, ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अ कॉम्पिटेटिव गेम, यू डू योर बेस्ट एंड आई विल डू माय बेस्ट। चाइना इज अ मेजर इकोनॉमी, इट विल डिप्लॉय रिसोर्सेज, it will try to shape things in China's way, why should we expect otherwise? But the answer to that is not to complain about what China is doing, the answer is you are doing it, let me do better then, the minister said while responding to a question during an interaction with students at the Indian Institute of Management IIM Mumbai. तो आप देखिए कि वहां पर वो ये लारा लप्पा देने की कोशिश करें, चाइना की तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। अगेन लेट मी रिपीट, ना मालदीव की इंडिया आउट कैंपेन के अंदर कोई चाइना का असर था, ना बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन के अंदर कोई चाइना का असर है। चाइना इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करता, उनकी अगर आप गेम प्लान देखें वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। कोई भी जीत किया जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो गेम होती है बेसिकली इकोनॉमिक गेम होती है कि कोई भी जीत किया जाए, मुल्क को हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमारी टेक्नोलॉजी की, हमारे सप्लाई लाइन की जरूरत पड़ेगी तो वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उस गवर्नमेंट के साथ। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही उनके खिलाफ काम कर रही हो ना, तो फिर वहां पर उनकी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन जनरली वो इंटरफेयर इस तरह से नहीं करते। मुझे बताइए कि अपोजिशन पार्टियां जो थी वहां पे, इब्राहिम साले की जो है पहले गवर्नमेंट में वो थे ना, क्या उन्होंने चाइना का नाम लिया कि इंडिया आउट कैंपेन ये करवा रहे हैं? नहीं लिया। हारने के बाद इलेक्शन में क्या उन्होंने कहा कि चाइना ने हमें हरवाया है? नहीं, ग्रेसफुली उन्होंने रिजल्ट्स एक्सेप्ट कर लिए। यहां पर भी क्या अवामी लीग बोल रही है कि चाइना इनके पीछे?
कोई एक मिनिस्टर का बयान बता दें, दिखा दें जहां पे वो कह रहे हो कि यहां पे चाइना ये काम करवा रहा है, तो चाइना नहीं है इसके पीछे। जयशंकर असल में अपने नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट होना इंडिया की नाकामी है कि वो वहां तक चीजों को लेकर गए हैं, इतना ज्यादा अनपॉपुलर कर दिया उन्होंने इंडिया को बांग्लादेश के अंदर कि वहां पर लोग, सिविल सोसाइटी जो है उनकी, वो खुद उठ के और ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। जरा देखिए आगे इंडिया का ये जो न्यूज आउटलेट है बिजनेस टुडे, ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाउ अ सिमिलर इंडिया आउट कैंपेन अक्यूजिंग इंडिया ऑफ इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स इज गेनिंग ट्रैक्शन। एशिया ने कहा रिपोर्टेड ऑन जनवरी 26, द कैंपेन इज बीइंग पुश्ड बाय मेंबर्स ऑफ द बांग्लादेशी डायस्पोरा एंड एम्बरेस्ड बाय सम अपोजिशन सर्किल्स विद इन द कंट्री, द रिपोर्ट सेड। पॉइंट टू बी नोटेड, सारी अपोजिशन भी नहीं, सम, कुछ अपोजिशन। अगर सारी अपोजिशन इसमें आ जाए तो फिर चीजें कहां पहुंचेंगी, सिचुएशन कहां पहुंचेगी फिर इंडिया के लिए। अभी तो थोड़ा सा हिस्सा एक्टिव हुआ है ना अपोजिशन का, सारी अपोजिशन तो एक्टिव ही नहीं हुई है। हाँ, सिविल सोसाइटी के लोग जरूर है। पिनाकी भट्टाचार्य का इन्होंने जिक्र किया है इंडियन न्यूज आउटलेट ने भी। वो कहते हैं पिनाकी भट्टाचार्य एन एग्जाइल्ड ब्लॉगर शेयर्ड अ पोस्टर विच रीड्स बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, और नीचे उन्होंने ट्वीट लगाई है पिनाकी भट्टाचार्य की। तो वो खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उनकी जो सिविल सोसाइटी है और सोशल एक्टिविस्ट जो उनके हैं वो ये काम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो तंग आए हुए हैं इंटरफेरेंस से। तो ऐसे में जयशंकर साहब को यहाँ बिला वजह चाइना को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, चाइना का गेम ही नहीं है यहाँ पे चाइना। बल्कि आप देखिए शेख हसीना को उन्होंने इनवाइट कर दिया है स्टेट विजिट के लिए, चाइना ने इनवाइट किया शेख हसीना को, अपना मिनिस्टर भेज रही है। ये जो नया फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया है महमूद साहब, चिटोग्राम के हैं महमूद साहब, वहां से मेरे ख्याल से इलेक्शन जीतते रहे। पहले ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, अब सरप्राइज च्वाइस इनको कहा जा रहा है, लेकिन ये शेख हसीना के बड़े क्लोज रहे, करीबी रहे। ये जो उनके राइट हैंड पॉलिटिशियंस है ना जिन पे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही है, ही इज वन ऑफ देम। तो ए के अब्दुल मोमिन को शायद उन्होंने इसलिए रिप्लेस किया है कि वो कुछ ज्यादा ही प्रो इंडिया समझे जाते थे, तो इसीलिए उनको नया चेहरा दिखाने के लिए लोगों को वो ये लेकर आई हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इनको चाइना ने भी इन्वाइट किया हुआ है, तो चाइना इज ओके विद देम अवामी लीग वालों के साथ, और चाइना को इनके साथ भी प्रॉब्लम नहीं है अपोजिशन वालों के साथ। बिल्कुल वैसे जैसे वहां म्यांमार के अंदर आप देख रहे हैं मिलिट्री जनता के साथ भी है ना चाइना, लेकिन एट द सेम टाइम अपोजिशन वालों के साथ भी चाइना है। ये अराकान आर्मी और इनके दरमियान सुलह करा रहा है बाय द वे, ये मैं आपको चलते चलते बात बता दूं। अराकान आर्मी और इनके मिलिट्री जनता वालों ने गालिबन अप्रोच किया है कि ये बहुत ज्यादा फेंटी लगा रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा बोल के और सुलह करवाएं, तो वहां पर ये हो रहा है। रोहिंग्या का मामला भी यहां पे चाइना कहीं ना कहीं पर लेकर आ रहा है, तो वहां पर आप देखिए दोनों साइड्स के साथ चाइना कंफर्टेबल है। पाकिस्तान के अंदर उनको इमरान खान से मसला नहीं है, उनको नवाज शरीफ से मसला नहीं है, तो उनकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है इंडिया की तरह कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर दिया तो बस उसी को ही सपोर्ट कर दिया, लोग गए भाड़ में, ऐसा नहीं है। ये इंडिया की पॉलिसीज इस तरह की होती है। यहां पर मिसाल देता रहा हूं, श्रीलंका के अंदर राजापक्सा के ऊपर कितना ज्यादा रिलाय किया इन्होंने, आखिर दम तक वो सपोर्ट करते रहे राजापक्सा को। इवन वो जब मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया, राजापक्सा भाग गए, तब जाके इंडिया ने जान छोड़ी है। इब्राहिम सालेह के ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट किया मालदीव में, तो आखिर तक करते रहे, जब तक वो इलेक्शन हार गया तब तक करते रहे। और इसी तरह से शेख हसीना के ऊपर ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इंडिया की जो पॉलिसीज होती है ना फॉरेन पॉलिसी, वो पार्टी बेस्ड होती है, कंट्री बेस्ड नहीं होती, और चाइना की जो होती है वो कंट्री बेस्ड होती है, इनमें फर्क होता है दोनों में। लिहाजा जयशंकर साहब ये जो एसोसिएट कर रहे हैं ना इस चीज को चाइना के साथ, ये गलत कर रहे हैं, ये मतलब इसको गलत एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाइना का इशू नहीं है, इंडिया का खुद का इशू है, इंडिया की अपनी पॉलिसीज की वजह से ये क्राइसिस जन्म लेते हैं, और अपोजिशन जो होती है वहां पर और बाकी जो सिविल सोसाइटीज उन मुल्कों की होती है, वो फिर तंग होके इंडिया आउट कैंपेन से स्टार्ट कर रहे होते हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन से स्टार्ट कर रहे होते हैं।